हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की जो वाइवा डेट है 2022। आप जानते होंगे आपका चाहे एमए हो, एमए प्राइवेट हो, और आपका ये बीकॉम हो, एमकॉम हो, इनका फाइनल ईयर में वाइवा होता है। तो जो वाइवा के कॉलेज सेंटर लिस्ट है एक तो वो आ गई है, और एग्ज़ाम डेट भी जो कॉलेज अलग अलग एग्ज़ाम डेट डालते हैं सारे कॉलेज, इसका बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखते हैं वाइवा डेट के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक और बात आप समझ लें, अगर आपने वाइवा नहीं दिए, यानी मान लीजिए आपने सारे एग्ज़ाम दे दिए और आपने एग्ज़ाम में मान लीजिए 90% भी अगर आपके अंक आ गए हैं ना, तो भी अगर आपने वाइवा नहीं दिया तो आप फेल हो जाएंगे। यानी नहीं दिया ना ये वाइवा तो आप फेल हो जाएंगे 100%। यानी वाइवा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको देना ही होगा, ठीक है। और ये वाइवा का जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा होता है, जिनको भी वाइवा देना है तो एडमिट कार्ड के ऊपर वाइवा का एक पेपर नीचे ही दिया गया होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से पता करेंगे कि आपका किस कॉलेज में सेंटर गया है वाइवा का, और आपका किस दिन वाइवा होना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल क्रोम में, और गूगल ब्राउज़र में जा करके हम CCSU टाइप करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक CCSU वेबसाइट आ जाती है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये इनका होम पेज ओपन हो जाता है। इसी होम पेज में जैसे ही हम नीचे करेंगे तो इनका जो इम्पॉर्टेंट नोटिस वाला कॉलम चलता रहता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इम्पॉर्टेंट नोटिस का, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज़, इस पर हम व्यू ऑल करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट वाला ये कॉलम होता है। तो अब इन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट डाली थी वो 10 जून को डाल दी है। अभी यहाँ पर देखें आप, ये आपको डेट दिखाई दे रही होगी, ये 2 जुलाई है नहीं। तो इसको हम नीचे ले जाकर 10 जून तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ये 21 जून तक आ गए हैं, इसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लेंगे तो हम 15 जून तक आ गए, इसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 जून वाला जो लिस्ट आ गई है, ये 10 जून, और इसी 10 जून को इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, देखिए ये रहा सेंटर लिस्ट ऑफ एमए, एमकॉम, बीकॉम, वाइवा, ठीक है जी, 2022। तो इन्होंने ये सेंटर लिस्ट डाली है 10 जून को। तो सबसे पहले तो आप 10 जून वाली कैटेगरी में जाएं, आप ऊपर से सर्च भी करके पहुंच सकते हैं 10 जून पर, और सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लें। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, देखिए इस पर क्लिक करते ही आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे कि आपकी क्या ईयर है, कौन सी ईयर है आपकी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे के सारे, कि आपका बी कॉम है, एम कॉम है, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करें। जैसे कि मैं मान लेता हूँ किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक कर लेते हैं, और पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन आता है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। एक PDF होती है जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डाउनलोड पर जा कर के ओपन कर लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस की। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि MA राजनीति शास्त्र, ये मेरा MA पॉलिटिकल साइंस का मैं देख रहा था यहाँ पर, द्वितीय वर्ष मौखिक परीक्षा। क्या कहा है इन्होंने, अतः द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022 की व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की MA द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान विषय की मौखिक परीक्षा वाइवा संपन्न कराए जाने हेतु निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यानी ये परीक्षा केंद्र की लिस्ट है, कौन कौन से विद्यालयों की परीक्षा केंद्र की लिस्ट है। और आगे क्या लिखा गया है इसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो और इन्होंने कहा है कि अतः सभी संबंधित परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र से परीक्षा तिथि की जानकारी प्राप्त कर अपना एमए द्वितीय वर्ष की परीक्षा, एमए द्वितीय वर्ष का प्रवेश पत्र एवं प्रथम वर्ष की अंक तालिका सहित निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर मौखिक परीक्षा या वाइवा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। यानी इसमें
दो बातें आपको नोट करने की। पहली बात तो ये कि जो परीक्षा की तिथि है यानी वायवा की जो तिथि है वो आपको कहाँ से पता चलेगी, परीक्षा केंद्र से। ये लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ परीक्षा केंद्र की लिस्ट दिखा रहा हूँ, और जो भी आपका सेंटर बनाया गया है वहीं से आपको अपने वायवा की पता चलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि वायवा सभी कॉलेजेस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये जाकर के वहाँ पता करना पड़ेगा कि आपका वायवा किस दिन होने वाला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको इसमें इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है ये कि वायवा के लिए आपको लेकर के क्या क्या जाना है। एक तो आपको लेकर जाना है प्रवेश पत्र, जो इस साल का आपका प्रवेश पत्र निकला है, एडमिट कार्ड जिसको बोल देते हैं। और दूसरी चीज़ आपको लेकर जानी है प्रथम वर्ष की अंक तालिका सहित। अंक तालिका मतलब है मार्कशीट, मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। अब कुछ लोगों का क्या हुआ होगा कि डिटेन वगैरह लग जाती है, कई समस्याएं आ जाती हैं, तो मार्कशीट आती नहीं है फर्स्ट ईयर की, रुकी हुई होती है। तो जिनकी मार्कशीट रुक गई हो वो क्या काम करेंगे कि रिजल्ट निकलवा लेंगे अपना, ठीक है जी। तो रिजल्ट तो वो निकलवा ही सकते हैं नेट से, और उस रिजल्ट को जिस कॉलेज से आपने एमए किया है वहाँ पर जाके करा लें वेरीफाई। वो एक स्टैंप लगा देंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो आप उसको लेकर भी जा सकते हैं अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको ये देखना किस तरीके से, सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, नेम ऑफ वायवा सेंटर। तो ये सेंटर का नाम है और ये वो कॉलेज हैं जिनमें आपका, जिनमें से किसी एक में आपका एडमिशन होगा। तो इसमें अपने कॉलेज को चूज़ करें, पहले अपना ज़िला देखें, ज़िले पर जाएं। जैसे मान लीजिए ये बागपत ज़िला है, ठीक है, और भी इसमें नीचे बहुत सारे ज़िले दिए गए होंगे। बागपत ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर आ गए। ये बुलंदशहर ज़िला है, बुलंदशहर ज़िले के भी और भी बहुत सारे कॉलेज दिए गए होंगे। तो बुलंदशहर में आप देखें, एक तो सेंटर इन्होंने बनाया है DAV कॉलेज को, जो कि बुलंदशहर में ही है। एक सेंटर इन्होंने बनाया है NREC को, NREC आपका खुर्जा के अंदर पड़ता है। और इसमें कौन कौन से कॉलेजों के सेंटर गए तो वो आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है जी। ये कॉलेज है, ये DN कॉलेज गुलावटी वगैरह, ठीक है, और ये AS कॉलेज लखावटी करके है आपका। NERC खुद खुर्जा का जो कॉलेज है उसका भी सेंटर यहीं पर है, तो NERC। और उसके बाद में आपका JS कॉलेज, ये सिकंदराबाद में है, JS कॉलेज, इसका भी सेंटर आपका NERC में ही गया हुआ है। इसके बाद एक अग्रसेन कॉलेज है, ये भी आपका खुर्जा में ही गया हुआ है NERC में। शिव मंदिर छुट्टन लाल काका डिग्री कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये भी सिकंदराबाद का ही कॉलेज है, तो इसका भी सेंटर आपका खुर्जा में ही गया हुआ है। तो बुलंदशहर ज़िले के काफ़ी ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं इधर सिकंदराबाद वाले एरिया में, अग्रसेन वगैरह हैं, तो इन सब का जो सेंटर गया है वो कहाँ पर गया है, NERC के अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो काका छुट्टन लाल बोहरा के अंदर है ये NERC। तो इन्होंने बुलंदशहर ज़िले में मुझे लगता है दो ही कॉलेजों को सेंटर बनाया है, एक आपका खुर्जा NERC और एक आपका हो गया DAV। इसमें आप अपने कॉलेज का नाम चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप जो भी आपका सेंटर है यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और उसी सेंटर पे जा कर के आपको अपने वायवा की जो डेट है वो पता चलेगी। तो वायवा की डेट आपको कहीं से पता नहीं चलेगी, मैंने आपको बताया भी, समझाया भी, इसमें लिखा हुआ भी है स्पष्ट रूप से कि वायवा की जो डेट है वो आपको कहाँ से पता चलेगी, आपने कॉलेज का जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जाकर आपको अपने वायवा की डेट कंफर्म करनी होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉलेज वेबसाइट पर भी अपलोड कर देते हैं डाटा को, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था मैं आपको पिछली बार का बताता हूँ, एग्ज़ाम डेट कॉलेजों ने अपडेट नहीं की थी वायवा की जो डेट थी, इस वजह से पिछली साल बहुत सारे बच्चों का पेपर मिस हुआ था। तो ये गलती आप ना करें, और वो सब के सब बच्चे फेल हुए थे, मेरी जानकारी में भी कई बच्चे फेल हुए थे। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर अपनी वायवा की डेट पता कर लें, और अगर वेबसाइट पर दिया गया है तो आप वेबसाइट पर भी चेक कर लें। कुछ कॉलेजों ने शायद वेबसाइट पर डाला हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो आप चेक कर लें, ठीक है। तो चेक भी कहाँ से करेंगे आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ।
तो यही आपकी वेबसाइट है, और इसी में देखो 10 जून के बाद अब आप सारी जो लिस्ट आई हुई हैं उनको चेक कर लें कि कहीं क्या वायवा की डेट भी डली हुई है। अब ये आपको सारी चेक करनी होगी, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कॉलेज से पता करेंगे अपने। देखिए अगर कहीं डेट होगी तो मैं देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता शायद किसी कॉलेज ने अभी तक ये डेट डाली हुई है, ये कोई भी अभी तक डेट यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आपको इसी तरीके से ये चेक करनी होगी, या फिर आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही इनके नोटिस में भी ये बात क्लियर है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो कहाँ से पता चलेगी आपको, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से जाकर पता चलेगी, तो इसीलिए हो सकता है वेबसाइट पर ये ना डालें, तो इसमें देखने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, आप इसको अपने कॉलेज सेंटर से जा कर के पता कर लें, ठीक है। तो कहीं भी कोई किसी भी कॉलेज ने ये नहीं डाला हुआ है डेट इस पर वेबसाइट पर, तो CCS यूनिवर्सिटी की उस पर तो है नहीं, हो सकता है किसी कॉलेज की वेबसाइट पर हो, तो वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, धन्यवाद दोस्तों।